हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो हाइकिंग का प्लान बनाकर एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं जंगल का रास्ता काफी सुनसान होता है और वहाँ कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं इनमें से एक लड़की जिसका नाम है जेनी वह आवाजें सुनकर काफी डर जाती है जबकि उसकी दूसरी दोस्त सारा उसे रिलैक्स होने का कहती है और तभी अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वह काफ़ी जख्मी हो जाती है और उसका जख्म काफी गहरा होता है जैनी उसका फंसा हुआ पैर निकालने की कोशिश करती है है और जैसे ही उसका पैर वहाँ से आजाद हो जाता है कोई जेनी पर फायर करके उसे मार डालता है ये देखकर सारा और भी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है वहाँ से भागते भागते वो रोड के किनारे तक पहुँच जाती है जहाँ से एक गाड़ी गुजरती है वो उनसे हेल्प मांगती है लेकिन वो गाड़ी रुकते नहीं बल्कि वहाँ से चली जाती है जब काफी खून बह जाता है तो सारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो उसी रोड से गुजरते हैं गाड़ी चलाने वाले का नाम है एडम जिससे रोड के किनारे कुछ नजर आता है वो जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देता है जिससे उसकी वाइफ भी जाग जाती है एडम रोड के किनारे चेक करने लगता है जहाँ पर उसे कुछ खून के निशानात मिलते हैं जबकि सारा जो भी होश हो गई थी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है इसके बाद एडम को वहाँ पर हिरण का साइन बोर्ड नजर आता है जिसे उसे लगता है की शायद ये खून किससे हिरण का है जो किसी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गई है वो वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी वाइफ को भी ये सब कुछ बताता है और जैसे अपनी गाड़ी करने लगता है उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती वो अपनी गाड़ी चेक करने लगता है लेकिन इसकी गाड़ी खराब हो गई है जो उसे ठीक नहीं हो पाती तब इनके पास एक आदमी आता है जो उनकी हेल्प करना चाहता है तब वो उन्हें कहता है कि पास एक होटल है जहाँ पर आप लोग रात गुजार सकते हैं जबकि मैकेनिक भी आपको कल ही मिल सकता है कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से एडमन और सिंडी अपने बेटे के साथ वहाँ चले जाते हैं इस होटल का नाम है एडन लॉज जहाँ की मैनेजर एक बूढ़ी औरत है वो वहाँ पर अकेले ही काम करती है जबकि वो कहती है किसका एक बेटा भी है जो कहीं गया हुआ है वो इन्हें वेलकम करती है और इन्हें अपना रूम दिखाती है कुछ देर बाद एडम सिंडी से चुपके कर स्मोकिंग करने एक रूम से बाहर जाता है जहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है इस लड़के का नाम है एंड्रियो जो पानी भरने आया होता है वो कहता है की मैं पास ही जंगल में कैंपिंग करने आया हूँ और पानी लेने के बाद वो चला जाता है एडम भी स्मोकिंग करने के बाद अपने रूम जाने लगता है लेकिन इसकी वाइफ को स्मोकिंग स्मेल ना आए वो वॉशरूम हाथ साफ करने जाता है लेकिन गलती से वो किसी और वॉशरूम चला जाता है जहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है वो जल्दी से उसे सॉरी बोलकर अपने रूम आ जाता है अपने रूम आकर वो अपनी वाइफ सिंडी के साथ रोमांटिक होने लगता है लेकिन वो उसे मना करती है क्योंकि सिंडी ने हाल ही में अपने बच्चे को जन्म दिया होता है लेकिन एडम इस बात से खुश नहीं होता इसके बाद हम एंड्रियो को देखते हैं जो जंगल में अकेले कैंपिंग कर रहा था इसके पास वही आदमी आता है जो सिंडी और एडम को रास्ते में मिला था जो एंड्रियो को बताता है की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जबकि ये जंगल भी काफी खतरनाक है इसलिए उसे कल सुबह ही वहाँ से चला जाने का कहता है इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सारा पे आता है जो अभी भी जिंदा है लेकिन किसी ने ऐसी रस्सियों से बांधा हुआ है उसके पास कोई आता है जो कि टूल्स उठाकर उसको टॉर्चर करने लगता है तभी हम उस बूढ़ी मैनेजर को देखते हैं जो अपने बेटे से बात करते हुए उसे बताती है है कि हमारे कुछ मेहमान आए हैं जिनसे फ्री होकर मैं तुमसे बात करूंगी साथ साथ गाड़ी ठीक करने में भी आता है। तब एडम के सामने पाउल आती है जो एडम को स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी सिंडी को एक सपना दिखाई देता है जिसमे उसकी बेटी का बास्केट खून से भरा हुआ है वो काफी डर जाती है और तब उसे ख्याल आता है कि उसे एडम के साथ अपना रिलेट बेहतर करना चाहिए वो अपने टैबलेट्स भी गिरा कर एडम के पास आती है तब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें वॉच कर रहा है एडम रूम से बाहर जाता है वहाँ पर उसे पावला मिलती है एडम उसे पूछता है की क्या, क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा है लेकिन वो कहती है कि यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है साथ साथ हम सारा को भी देखते हैं जिसका एक बाजू कट चुका है जबकि वहाँ पर उसकी दोस्त चेनी की लाश भी प्लास्टिक बैग में पड़ी होती है सारा उस रूम से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती इसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी ठीक करते वक्त एडम पावला के पास जाता है वो उसे पूछता है कि क्या कल रात तुम हम पर नजर रखे हुए थी लेकिन वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही जबकि वो एडम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जबकि एडम उसकी बातों से ड्यूस नहीं होता और उसे कहता है की वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है ये कहते हुए वो अपने रूम चला आता है जहाँ पर स्टेंड्यू से कहती है कि मैंने अमेरिका वापस जाने का फैसला कर लिया है एडम उसे अचानक ऐसा फैसला लेने की वजह पूछता है जिस पर सिंडी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पाउला के साथ चक्कर चल रहा है लेकिन एडम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सिंधी उसकी बात नहीं समझती जिस पर नाराज होकर एडम जंगल की तरफ चला जाता है जबकि वो बूढ़ी मैनेजर भी उसे जाते हुए देखती है जहाँ पर वो एंड्रियो के साथ बात कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड्रियो को लगता है कि शायद ये वही फार्मर है जो पिछली बार आकर उसे धमका रहा था तब एंड्रियो उससे बात करने जाता है लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है वो देखता है की वहाँ पर एक केबन है वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उससे सारा दिखाई देती है वो सारा को कहता है की डरो नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ एंड्रियो जैसे ही सारा की हेल्प करने लगता है कोई पीछे से आकर उसको भी मार डालता है काफी वक्त गुजरने के बाद एडम को एहसास होता है कि एंड्रियो अभी तक क्यों नहीं आया वो उसे चेक करने उसके पीछे चला जाता है लेकिन जंगल में उसके सर पे भी कोई वार करके उसे बेहोश कर देता है इसके बाद हम उस मर्डर को देखने लगते हैं जो इस दफा वो पावला की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जबकि पावला है लेकिन सिर्फ नहीं बल्कि को देखते हैं जो की के पास आती है। और उसे कहती है की मेरा एडम के साथ झगड़ा हुआ है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया वो उसे अपने बेटे का ख्याल रखने का कहती है और उसे ढूंढने चली जाती है लेकिन जंगल में जहाँ भी टेंट लगा होता है वहाँ पर उसे काफी ज्यादा खून नजर आता है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग वापस आने लगती है रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है जहाँ उसे काफी ज्यादा खून और उस फार्मर की लाश मिलती है वो भाग अपने अपार्टमेंट आती है लेकिन वहाँ से न उसे वो बूढ़ी औरत और ना ही अपना बेटा मिलता है सिंडी अपने बेटे को ढूंढते हुए एक एक रूम चेक करती है जहाँ पर वे कमरे में घुस जाती है जहाँ पर उसे कोई सोता हुआ नजर आता है तब जैसे ही वो उसका बिस्तर हटाती है इसके अंदर एक स्केलेटन सोई होती है तब वहाँ पर कोई आने लगता है जिससे सिंडी एक और बेड के नीचे छुप जाती है वो देखती है की वो बूढ़ी मैनेजर वहाँ पर आती है जबकि वो स्केलेटन को अपना बेटा कहकर पुकारती है जिसका नाम होता है डेविड और उसे सलाकर वापस चली जाती है तब सिंडी को समझ में आता है कि शायद ये बूढ़ी औरत एक साइकोपैथ है जो एक स्केलेटन को अपना बेटा समझ रही है सिंडी वहाँ से बाग कर नीचे आने लगती है लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है वो उसे पूछती है की मेरा बेटा कहाँ पर है इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है की तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के पास है तब हमें पता चलता है की बूढ़ी औरत का बेटा आज से दस साल पहले सुसाइड करके मर चुका है लेकिन उसका साया अब तक उस बूढ़ी औरत को नजर आता है इस वक्त भी वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से बात कर रही होती है जबकि बेटा उसे कहता है कि मैं दस साल पहले ही मर चुका हूँ और तो मैंने अपना बेटा वापस कर देना चाहिए तब सिंडी की नजर उस केबन पर जाती है जहाँ पर उसे अपना पति और अपना बेटा दोनों मिलते हैं एडम अभी जिंदा है लेकिन किसी ने उसके हाथ बांधे हुए हैं तब सिंडी जैसे ही एडम के हाथ खोलने लगती है वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है जिसका मानना है कि अगर मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो किसी का भी नहीं रहेगा वो इनके बेटे को भी मारने वाली होती है लेकिन तब एडम उसे कहता है कि मेरी जान ले लो जबकि मेरी फैमिली को छोड़ दो लेकिन वो बूढ़ी औरत सिंडी को कहती है कि एक शर्त पर ही मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ सकती हूँ और वो ये है कि तुम्हें एडम को मारना होगा एडम और सिंडी दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता तब एडम सिंडी को कन्वेंस करती है और ना चाहते हुए भी सिंडी एडम में छोटा घूम लेती है जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन अचानक ही वो बुरी औरत वहाँ पर आती है जो उनकी गाड़ी पर पेट्रोल चढ़कने लगती है लेकिन जैसे ही वो आग लगा रही होती है एडम उसे जख्मी कर देता है वो जल्दी से गाड़ी में बैठने लगता है लेकिन वो साइको बूढ़ी औरत उठकर फिर से आग लगाने लगती है लेकिन इस बार सिंडी उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और मूवी यहां पर खत्म हो जाती है